इनकी नीति रही, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। हमारे लोग एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक लोग अब नौकरी में एकदम नगण्य, साफ खत्म हो गए, अब एक भी लोग नहीं आ रहे हैं। ये इससे समाज में असमानता फैलेगी, है ना। और उसी को लेकर हम लोग ये 13 बिंदु को ख़त्म करके 200 बिंदु जो पहले था रोस्टर क्लियर का, उसको लागू किया जाए, इसी को लेकर आज भारत बंद किया गया। और हमारे विकासशील इंसान पार्टी के सभी पदाधिकारी लोग अपने अपने ज़िले में पूरी तत्परता के साथ भारत बंद को सफल बनाया। आज 5 मार्च को संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया था, और अभी तक हम लोग भीम आर्मी, भीम सेना, बहुजन मुक्ति मोर्चा, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, राष्ट्रीय जनता दल, रालोसपा और डीआईपी एवं तमाम महागठबंधन की पार्टियां इस बहुजन लड़ाई में समर्थन दिया है। हम लोग तहे दिल से उनका भी स्वागत करते हैं और उनका स्वस्थ रहते हैं कि आप बहुजन की लड़ाई लड़िए, बहुजन आपके साथ है। दोस्तों बता दूं, नरेंद्र मोदी की सरकार जो अभी इस तरह से लगातार जब से 2014 से आई है, बहुजनों का वोट लिया, बहुजनों को बहुत आश्वासन दिया, लेकिन आज जब उनकी सरकार बनी तो बहुजनों पर ही उनके सारे हक और अधिकार का कटौती करने लगा, संविधान में छेड़छाड़ करने लगा और संविधान खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जिसके हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग और सभी बहुजन समाज ने विरोध किया है और इस 5 मार्च को भारत बंदी का आह्वान किया है। आज हम लोग कुढ़नी प्रखंड के इस पटना से मुजफ्फरपुर जाने वाली रास्ता केरमा चौक पे पूरे दुकान और सड़क को बंद किया है, सिर्फ मेडिसिन और हॉस्पिटल और एम्बुलेंस सेवा जारी रखा है, बाद बाकी कोई भी दुकानें बंद, सभी दुकानें बंद है। और हम लोग इस बार इस आपके सोशल मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप 13 पॉइंट राष्ट्र को पुनः वापस लेकर 200 पॉइंट राष्ट्र लागू कीजिए और हमारे बहुजन समाज के जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी दीजिए। हमारे ओबीसी भाई की संख्या 54% है, आप 54% भी आरक्षण नहीं दे रहे हैं, 27% किया है, 27 में भी 27 लागू नहीं, 2 से 3% मिलता है, तो उनको 54% दिया जाए। और हमारे एससी भाई को जो कि 25% हो गया है लेकिन आप 15% दे रहे हैं, उनको भी 30% दीजिए। हमारे मुसलमान भाई की जितनी जनसंख्या है उनको उतना आरक्षण दीजिए, हमारे आदिवासी भाई को जितनी जनसंख्या है उतनी आरक्षण दीजिए। और अभी आप जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जिस तरह से आप छेड़छाड़ करा के और हमारे आदिवासी भाइयों को बेदखल करने का जो काम किया है उसको पुनः वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग 2019 आ चुका है और 2019 में आपको पुनः आपको बटुआ और भगवा लेकर आप मंदिर मस्जिद में रहिएगा, हम आप लोग का विरोध कर देंगे। इसीलिए आपसे एक बार फिर से निवेदन है प्रधानमंत्री जी कि आप पुनः 13 पॉइंट रोस्टर लागू निरस्त करके 200 पॉइंट लागू कीजिए। अब हम आइए वीआईपी के हमारे जिला उपाध्यक्ष राम बाबू सहनी जी अपनी बात रखेंगे। आज पूरे भारत में बहुजनों के तरफ से हमारे जितने भी अधिकार से वंचित हुए हैं, सारे लोग जैसे एकजुट होकर के पूरे भारत को सांस को रोक दिया है। प्रधानमंत्री जी बहुजनों के वोट से जैसे प्रधानमंत्री बने और आज वो जैसे हमारे बहुजनों का अधिकार को कटौती करते हुए 13 पॉइंट रोस्टर जो लागू की है, मैं उसका विरोध करता हूं और ये 13 पॉइंट रोस्टर को निरस्त करें और फिर से जैसे 200 पॉइंट रोस्टर लागू करें। साथियों, पूरे भारत में सभी हमारे बहुजनों के लोग मतलब जाग चुके हैं कि उनका जो अधिकार है 85%, आपने 10% आरक्षण आपने दिया है ठीक है, लेकिन 85% आरक्षण दो और उसके बाद अगर आप नहीं देते हैं तो आज भारत बंद से आपको पता चल गया होगा कि कितना उबाल है हमारे बहुजन समाजों में। इसलिए आप न्याय के रास्ते पर आइए, प्रधानमंत्री हैं आप, बने हैं तो पूरे देश के लिए बने हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द आप जैसे इसको निरस्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ में और अब हमारे रालोसपा के हमारे प्रखंड के हमारे हरिनारायण जी हैं, वो 2 शब्द रखेंगे रालोसपा के नेता
मैं इसका समर्थन करता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। सर अगर रैली की बात की जाए तो पटना में 3 तारीख की रैली, क्या कुछ लगता है आपके अनुसार कि सफल हुआ या फिर एक तरह से? देखिए 3 तारीख को जो संकल्प रैली हुई ये तो जो NDA गठबंधन के द्वारा था तो वो लोग आपस में ही राजनीति कर दिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। नरेंद्र मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए उन्हीं के पार्टी लोग एक साजिश के तहत खुराफात किए। ये तो नरेंद्र मोदी जी को सोचना है कि हमारे साथ जो गठबंधन वाले लोग हैं वो किस तरीके से हमको कमज़ोर करने का काम किए। ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी वाले को सोचने की ज़रूरत है। तो आपने देखा बंदी के दौरान क्या कुछ कहे, इनसे हम लगातार आपकी बात कराते रहेंगे और लाइव के माध्यम से हर वो तस्वीर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। कुछ देर बाद हम डकबंगला की तमाम जगहों से हम लोगों से बात करेंगे कि आज की बंदी जो है कितना सफल हुआ। तो बने रहें न्यूज़ बिहार के साथ, तब तक लिए हमें दे इजाज़त, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।